बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया है, विधानसभा का ये पहला सत्र होगा जिसमें सदस्यों द्वारा ऑनलाइन सवाल पूछे गए हैं और इसका जवाब भी संबंधित विभागों से ऑनलाइन मंगाया गया है। इसके लिए विधानसभा द्वारा क्वेश्चन रिप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम अपनाई गई है। दरअसल ऐसा करने के पीछे का ये तर्क है कि सदन में पूछे गए अल्पसूचित और ध्यानाकर्षण सवालों को ऑनलाइन तैयार कराने से सदन के समय में बचत की जा सकेगी और अधिक सवालों के जवाब दिए जा सकेंगे। सभी विभागों को सदन की कार्यवाही शुरू होने के एक दिन पहले 25 नवंबर तक ऑनलाइन जवाब उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि अब तक विधानसभा सदस्यों द्वारा 741 ऑनलाइन सवाल भेजे गए हैं। इसके साथ ही विधानसभा में खाली पदों को भरने की तैयारी भी जोरों पर है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि विधानसभा में खाली पड़े अलग अलग पदों पर 3 स्तरीय कर्मचारी की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अब तक अलग अलग पदों के लिए करीब 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें चतुर्थ वर्गीय 140 खाली पदों के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार 26 नवंबर से 30 नवंबर तक सदन की कार्यवाही चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।